लोकप्रिय है जिनको हर कोई जानता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो संसद में पहुंचे और संसद में पहुंचने के बाद जो उन्होंने पहला शब्द कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हूँ और प्रधान सेवक के रूप में मैं देश की सेवा करूंगा, जो जनता ने मुझको चुनकर भेजा है उस जनता के लिए मैं काम करूंगा। अभी हमारे ब्लॉक प्रतिनिधि आपको बता रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने सोचा कि जो देश की आम गरीब जनता है उसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, क्योंकि उस समय 2014 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में आप सबकी जानकारी में है कि जितनी भी योजनाएं होती थी वो योजनाएं अलग अलग तरीके से उनका बंदरगाह होता था। जैसे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कब्रिस्तान बनवाएंगे और शमशान भूमि नहीं बनवाएंगे, हिंदू लड़की को 10,000 रुपया देंगे, मुस्लिम लड़की को 30,000 रुपया देंगे, सारी चीजों में जो है वो बांटने का काम करते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद जाति धर्म नहीं है, जो गरीब है वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी धर्म किसी जाति का हो, उन सबको उन योजनाओं का लाभ बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए। उसके लिए जब उन्होंने तय करा कि हम पूरे देश में लोगों के बैंक में खाते खुलवाएंगे, लोगों ने बहुत मजाक बनाया और सर्वाधिक उसका विरोध अगर किसी ने करा उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने करा। उन्होंने कहा ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास 500 रुपए भी नहीं है तो ये जीरो बैलेंस में 500 से अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, क्योंकि मिनिमम बैंक खाता खुलवाने के लिए कम से कम अगर रुपये चाहिए थे तो 500 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा किसी के पास जो 50 रुपये भी नहीं है तो बैंक में खाता कैसे खुलवाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाने का काम शुरू करा। तब समाजवादी पार्टी लोगों ने बहुत मजाक बनाई, अरे इनको तो पैसे में पैसा ही नहीं है तो खाते का क्या होगा, और उसका परिणाम देखिए, चाहे तो आपको किसान सम्मान निधि हो चाहे केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो, पहले जब पैसा आता था तो जब ऊपर से शुरू होता था लेकिन बढ़ते बढ़ते तक व्यक्ति के हाथ में मालूम पड़ता था, हमारे प्रदेश के बता रहे थे कि 1 रुपया अगर चलता है तो 15 पैसे नहीं जो खाते में हाथ में आते थे। आज अगर प्रधानमंत्री जी आपके खाते में 100 रुपये भेजेंगे तो उस 100 रुपये में से 99 रुपये भी नहीं 1 रुपया कोई काट नहीं सकता, पूरे के पूरे पैसे जो है वो खाते में आते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि आप सब जानते हैं वो एक ऐसे परिवार से निकले, एक ऐसी माती पोत से उन्होंने जन्म लिया जो बहुत ही गरीब परिवार का, जो दूसरों के घरों में बटन धोने का काम करती थी, ऐसे परिवार में उनको मालूम था गरीबी क्या होती है, उस गरीबी को उन्होंने झेला है, गरीबी को उन्होंने देखा है। उनको लगा कि मेरे देश की जो माताएं बहनें हैं ये जब खुले में शौचालय के लिए जाती हैं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कई बार, उन्होंने पूरे देश में बड़ी संख्या में शौचालय बनवाने का काम करा, इससे कि हमारी माताएं बहनों की जो है एक पुलिस समस्या ना है। उनको लगा कि हमारे लोग इस ठंड में रात में खुले में सोते हैं तो खुले में ना सोए, और जो मकान बने भी तो मकान हमारी माताओं के नाम पर बने। आप सबकी जानकारी में जो आवास आता है तो आवास का मालिक कौन है, उस परिवार की जो महिला होती है उस आवास की मालिक होती है। 2017 में इस प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन हुआ और जब प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी कि हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़ी संख्या में हमारी माताएं यहाँ बैठी है, हमने वाली बैठी है। पहले घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता था जिस प्रकार से गुंडागर्दी गर्म पड़ती, कब किसकी चैन छीन ली जाए, कब किसकी गाड़ी लूट ली जाए, और समाजवादी पार्टी का एक नारा भी था कि खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है।
यानी कि हर जगह इलेक्शन जो है जबरदस्त करने का काम था, लेकिन 2017 के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपकी ओर आँख उठाकर भी देख पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर जो है बिल्कुल तैयार था, किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी बहन को आँख उठाकर देख पाए। थोड़ी देर में वहाँ पॉइंट पुलिस जो है वो पहुँच जाती है बुलडोजर को घर लाने के लिए। फिर ऐसा वातावरण 2017 के बाद के बाद सुंदर हुआ। पहले जब आप व्यापार करते थे आपको कोई काम करने के लिए कोई भारतीय हमारे नहीं आते थे। अभी आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, इस मामला क्षेत्र में हमको ऐसा विधायक मिला जो लगातार क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं आदरणीय धर्मपाल सिंह जी। उनके प्रयास से जब माहौल अच्छा बना तो आपके क्षेत्र में आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं। कई सारी फैक्ट्रियों का यहाँ निर्माण हो रहा है, और जब फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। आपको रोजगार मिलेगा, काम करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब क्षेत्र में ही बड़े बड़े रोजगार के साधन स्थापित हो जाएंगे तब काम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। क्षेत्र का विकास भी होगा। भाई यशवंत जी बैठे मैं रस्ते में बात करता हूँ, आ भी रहा था। पहले आप कहीं भी जाओ सड़कों की समस्या थी, आज संसाधनों में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, कहीं भी तुरंत आप जा सकते हैं। आपको अपनी बात कहने के लिए जगह जगह जाने पड़ते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारी जो जनता है जिसने मुझको चुनकर भेजा है, जिसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, माननीय योगी जी ने कहा कि जिसने मुझको मुख्यमंत्री बनाया है वो अपनी समस्याओं के लिए जगह जगह ना भटके, उसके लिए बीते भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें हमारे ब्लॉक के सभी और विभागीय अधिकारी का यहाँ उपस्थित है। पहले आपको अपने किसी काम के लिए ब्लॉक जाना पड़ता, जब आप ब्लॉक जाते मान पाई हमारे वीडियो साहब और वीडियो साहब किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, या कोई बैठक है, कोई कार्यक्रम है, कहीं जाना है, अब आप यहाँ से गए आपको नहीं मिले तो आपका जो आना जाना है वो बेकार हुआ। लेकिन अभी आपके पास यहाँ मौके पर सभी संबंधित अधिकारी हैं। आपकी अपनी कोई समस्या है, आपकी अपनी कोई दिक्कत है, आप उनको बता सकते हैं कि पूरी सरकार जो है वो आपके पास आपके गांव में आ गए।